हाँ हाँ धीरे 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 चलवाते हैं, कोई गिर गिरा जाए क्या फायदा भी। यहाँ आरपीएफ बैठो जल्दी, आगे वाले में बैठ जाए। दोस्तों आज के लोको पायलट का व्लॉग लास्ट तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा। पैसेंजर की ट्रेन की वर्किंग है, यानी कि हमने पैसेंजर ट्रेन चलाई, कैसे हमने रास्ते में खाया पिया, कहाँ रुके, कैसे ट्रेन चलाते हैं और क्या क्या हमारे सामने परेशानी आती है। जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सारी बातें आपको पता चलेंगी इस लोको पायलट और रेलवे की नौकरी की। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, लास्ट तक देखना। अब ग्रीन जला के दिखाओ, फिर जा सकता हूँ। अब जा सकता हूँ, प्रेस कर लेता हूँ अभी, जब ड्यूटी आएगी तो चला जाऊंगा। ये दोनों तो सोई पड़ी हैं, आलसी हैं। अब वो डाउन मत कर देना, उसको चार्जिंग पे लगाना मुझे, ठीक है। शाम की दोस्त 5 बजे की ट्रेन है और चुनु मैडम सोली 3:20 हो रहे हैं, तैयार होने का काम करते हैं, नहाएंगे धोएंगे बैग लगाएंगे, कोई भी काम नहीं हो रखा यार। बज रहे हैं 4:15, नहा धो लिया हूँ, कपड़े मैंने पहन लिए हैं, कमरा मेरा फैला हुआ है, बाद में साफ हो जाएगा, बहुत काम कर लिया आज मैंने पूरे दिन लगे लगे हो गया। चल दिए भाई लोग अपनी ड्यूटी पर, टाइम से निकल गए हैं, टाइम से पहले ही निकल गए हैं, क्योंकि पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन में जब भी ड्यूटी लगती है तो टाइम से पहुँचना पड़ता है, मालगाड़ी में तो काम चल जाता है पर इसमें पहले ही लगभग आधा घंटा पहले तो मिनिमम पहुँचना ही पहुँचना होता है। स्टेशन तो आ गए भाई टाइम से पहले ही। दोस्तों ट्रेन तो अपनी आ गई है प्लेटफॉर्म पर और अभी इसको स्टार्ट करने की तैयारी कर रहेंगे और सवारी अभी से ही भरने लग गई है। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, पता नहीं क्यों, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल हम इसको कर लेते हैं चेक। भाई दूसरी साइड से भी एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, संभल संभल के चेक करेंगे। दोस्तों अगर आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको अभी स्किप मत करना, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि 28 से 30 सितंबर टेस्ट बुक के जो प्राइजेज हैं, इन्होंने बताया है कि ये सबसे बड़ा प्राइज ड्रॉप होगा, बिगेस्ट प्राइज ड्रॉप होगा और प्रो पास आपको लोवेस्ट प्राइज एवर पे मिलेंगे, ठीक है। अभी प्राइज रिवील हो जाएंगे एक आध दिनों में, तब तक मेरी आपसे सलाह है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, टेस्ट बुक डाउनलोड कीजिए और जो भी फ्री की चीज़ें हैं वो यूज़ करिए, उसके बाद जब ऑफर आए तब उसको ले लीजिए। कूपन कोड में चिंकू लिख देंगे तो एक्स्ट्रा 13% छूट मिल जाएगी। आप पूछोगे इसमें होता क्या क्या है, तो मेरे दोस्त जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी आपके प्रैक्टिस करनी है, जिसको टेस्ट सीरीज़ बोलते हैं, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट। इससे आपके हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे, टाइमिंग फास्ट हो जाएगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, चाहे प्ले स्टोर से वैसे ही डाउनलोड कर लो। गर्मी है यार, चलो आगे की तरफ एसी है, चलते हैं आगे। अपनी सीट थोड़ी सी पुरानी है पर काम चल जाएगा, एसी होता तो उससे काफ़ी आराम हो जाता है। चलते चलते देखो शाम से हो गई है रात और हमारी इस गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हुई है। अब ज़्यादातर हमें तभी समय मिलता है जब गाड़ी खड़ी होती है, चलती गाड़ी में तो हम अपना काम करने में बिजी रहते हैं भाई। दोस्तों शांति से बैठे हुए हैं, क्यों, शाम के 7:30 बज चुके हैं और ट्रेन हमारी चलने का नाम नहीं ले रही। लोग आधा रास्ता तो कवर कर चुके हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से लोग घुसे हैं यार। हम सोचते हैं कि हमारी ट्रेन का कोई छूटे ना, पर यहाँ घुस नहीं पा रहे। भीड़ बहुत ज़्यादा, फैल के बड़ी मुश्किल से सवारी आ पाई है, ट्रेनें हैं नहीं ज़्यादा, जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रेनें बढ़ा नहीं रहे। तो दोस्त रात के बज चुके हैं 8:30, खड़े हुए हैं हम, क्यों, अभी साइड से एक मालगाड़ी गुजरेगी, तो साइड से मालगाड़ी जा रही है और हम अपनी बत्ती बुझाए बैठे हैं, क्यों, क्योंकि भाई मच्छर आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं इस मौसम में। अभी जब ये मालगाड़ी चली जाएगी तब हमको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है भैया, सब बैठ गए। जाम को पहुँचना है, वहाँ से सिर्फ 2 स्टेशन दूर हैं, अब देखो कब चले। बताओ क्यों, हाँ जाओ जाओ। दोस्तों बस एक स्टेशन दूर हैं, 10 बज गए हैं, हल्की हल्की नींद भी आने लगी है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है ड्यूटी भाई, 5 बजे से ड्यूटी थी हमारी, तो तैयारी तो 3 ही बजे से शुरू हो जाती है, यानी 2 घंटे पहले से। बस ये सिग्नल और पीला हो जाए तो हम इस स्टेशन के अंदर पहुंच जाएं, फिर दूसरे लोग को पायलट आएंगे, इस ट्रेन को आगे ले जाएंगे। तो भैया आ गए पहुँच गए हम, अब करते हैं पटरी पार, बैग वगैरह रखते हैं। भैया 2 पराठे खा लें, सॉरी
12:30 बज रहे हैं दोस्त रात के। अब अपनी मच्छरदानी लगा रहे हैं, अब सोएंगे, खाना पीना खा चुके हैं। एसी चल रहा है, इसको बंद कर देंगे अभी क्योंकि मौसम ठंडा है। मच्छरदानी से इसे लगा दो वरना रात को मच्छर आ जाते हैं। चलो भाई सोते हैं हम, गुड नाइट। दाल खा लो भाई दाल। और ये सुबह सुबह उठे तो मेरा मन नहीं करा यार पराठे खाने का तेल के, तो मैंने सोची दाल खाता हूँ ये सही है, और साथ में ले लिए जलेबी। तो दोस्तों सुबह सुबह बड़ा मस्त नाश्ता हो रहा है, करारी करारी मीठी जलेबी है और बढ़िया जमी हुई दही है। और खाना खा के हमें तो भैया आ गई नींद, सो लेते हैं थोड़ी देर क्योंकि शाम को हमारी फिर से यहाँ पर ट्रेन है। और देखिए दोस्तों अगर मेरे सोने की एक्टिंग में कोई कमी हो तो बताइए। तो भाई शाम हो चुकी है और हमारे निकलने का टाइम हो रहा है, देखिए शाम के 4 बज रहे हैं। बैग अपना रेडी है, हम नहा धो के रेडी हैं, चेक कर लेते हैं चादर के नीचे कुछ छूट तो नहीं गया। बहुत बार चार्जर वगैरह छूट जाते हैं, बटवा छूट जाता है, मोबाइल छूट जाते हैं। अब निकलते हैं, बैग सब रेडी है, लोको पायलट आ जाए, शायद बाहर गए। दोस्तों हम और हमारे लोको पायलट दोनों अपना पहियों वाला बैग ले लेकर निकल गए हैं। सबसे पहले पहुंचेंगे, अपने ज़रूरी कागजात लेंगे और पहुंचेंगे ट्रेन पे। ट्रेन हमारी आने वाली है, पीछे से आ रही है, अब देखो कब तक आए। तो भैया बहुत खतरनाक जगह है यहाँ, इंजन के अंदर गलती से भी मत आ जाना कभी भी कोई लोग, ये बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूँ सही में, सेफ रहोगे कभी मजाक में मत आ जाना। चलो अब नीचे का चेक कर लेते हैं, बाकी इंजन भी चेक करना है जल्दी। टाइम तो हम पे है, गाड़ी जल्दी आ गई थी और अभी इसको निकलने में 20-25 मिनट हैं, और हल्का करा देते हैं इंजन को। भीड़ तो यार काफ़ी है, शुरुआत का ही ये स्टेशन है अभी एक दो, और इसमें इतने सारे लोग चढ़ रहे हैं यार। सवारियां जा रही हैं अपने अपने घर, ज़्यादातर जॉब वाले हैं। भाई हम लोग इस स्टेशन पर आ गए हैं बहुत जल्दी, 6:30 बज रहे हैं और 7 बजे से यहाँ पे चलने का टाइम है। तो मैं इतने में ले आया चाय और एक एक समोसा, अब देखो यार अपनी गाड़ी कब चल। तो भाई लोग रात हो रही है यार और थकान सी हल्की हल्की हो रही है, जाएंगे अपने रनिंग रूम में और सो जाएंगे ठंडे ठंडे रूम में। पता है 6 घंटे की भी ड्यूटी होती है, अभी तो 8 ही बजे हैं, खैर हम 10 बजे के आसपास तक पहुँचेंगे। और ये अपनी जो 6-7 घंटे की भी ड्यूटी होती है ना, इसमें भी शरीर ऐसा थक जाता है कि पहुँच के नींद आ जाती है। और रात के बज गए हैं मेरे दोस्त, कितने बज गए हैं, करीब करीब 9:45 खड़े हो गए हैं एक सुनसान वीरान स्टेशन पर। मालगाड़ी में होते तो और सुनसान होता, फिलहाल हमारे साथ हजारों यात्री हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। पहुंच गई भाई ट्रेन, पहुंच गई, सोते हैं अब। भैया सुबह हो गई है और बाहर निकले थे राशन लेने के लिए, इस पन्नी में सारा राशन ले लिया है, दो सब्जी बनवाएंगे, मतलब एक सब्जी हो गई सूखी और एक दाल बनवाएंगे, और शायद आलू प्याज की रोटी बनवाएंगे जिसको कि बटर से खाएंगे, साथ में चाय हो जाएगी। अब चलते हैं वापस रनिंग रूम अपने, है ना, बाजार गए थे पास के ही। तो भाई लोग टाइम हो गया है 9:45, नहा धो के मैं आ गया हूँ और अब पहनेंगे कपड़े, कोई नहीं है कमरे में, अब बस खाना पीना खाएंगे। तो बटर है, आलू प्याज की रोटी है, चटनी है, चाय है, और बाकी खाना पैक करा लिया। तो भाई मेरे अब चल दिए हैं अपनी ड्यूटी की तरफ, धूप आज तेज है, और अब हमारी पैसेंजर ट्रेन आएगी और उसको लेके हम चलेंगे अपने घर की तरफ। खाना पीना हमने खा ही लिया है, टिफ़िन हमने पैक करा लिया है, सारी तैयारी है, बैग हमारा कंप्लीट है। ये अपनी ट्रेन साइड में खड़ी है, इसी पैसेंजर को लेके जाएंगे, इसमें सवारियां बैठ रही हैं और हम इसको लेके जाएंगे, रेडी करते हैं, चेक कर लेते हैं, जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं इसको। इंजन ये वाला बड़ा फास्ट है, बता रहे थे जो लोको पायलट इसको लेके आए थे, वो बता रहे थे बहुत तेज चलता है। टाइम है अपने पास, और ये देखिए सही है सब कुछ, मतलब नॉर्मल है, सीटें हैं और एसी भी है। आगे वाले में बैठ जाना जल्दी, राइट वे चल रहे हैं। हाँ हाँ धीरे धीरे धीरे, ले आधे घंटे के लिए खड़ी कर दी अपनी गाड़ी। भाई लोग चाय लेने जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी हो गई स्टेशन पे, स्टेशन मास्टर ने बता दिया थोड़ी देर में जाएगी रुक के, तो हमने सोची तब तक चाय ले आ रहे हैं, टाइम हो रहा है इस समय 2:15। खाना खाने के बाद यार 2 रोटी बच गई थी, बंदरों को डाल देता हूँ,
ये लोग खा लेंगे बेचारे, हम ही लोगों पर डिपेंड रहते हैं। दोस्तों सवारी गाड़ी जब चलाते हैं और किसी स्टेशन पर खड़े होते हैं ना, तो अलग अलग लोग आते हैं अपने अलग अलग सवाल लेकर, फिर हम उनकी बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि हाँ भाई उन्हें बता दें। चलो अब चलते हैं, पहुंच गए हैं। भेजूंगा तो मैं हूँ, पता है? नहीं मैंने पता है। हाँ हाँ तो पी ले। मैं तो बता चुका है।